हेलो नमस्कार, कक्षा 12 में D179 और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना प्रकाश की तीव्रता और स्रोत की चौड़ाई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने पिछली क्लास में भी एक बात करी थी D178 में भी, जिसमें हमने तीव्रता के साथ संबंध देखा था, आयाम के रूप में देखा था संबंध, कैसे तीव्रताओं का अनुपात अधिकतम और न्यूनतम अगर कह दिया जाए तो कैसे देगा। तो हमें पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, अगर छोटा क्वेश्चन पूछा गया एक नंबर में दो नंबर में तो हमें इस तरह से ही उसको सोल्व करना है कि हम जो पूछा गया है वो बता सकें। अगर आपको अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है तो अधिकतम तीव्रता के बारे में पता होना चाहिए कि आई मैक्सिमम क्या होगा, आई मिनिमम क्या होगा। फिर आयाम की फॉर्म में पूछा है तो आयाम की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकें। तो जब अधिकतम आयाम होता है तब अधिकतम तीव्रता होती है। उसी तरह से हम इस बात को डिफाइन करेंगे यहाँ कि प्रकाश की तीव्रता स्रोत की चौड़ाई पर कैसे निर्भर करती है। स्रोत की चौड़ाई का मतलब क्या है कि जब हम ऐसे ले रहे हैं कि ये कोई स्लिट है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, यहाँ कोई प्रकाश स्रोत हमने लगा दिया है जिसमें से प्रकाश आ रहा है, यहाँ आपतित हो रहा है गोलीय तरंगागर के रूप में, यहाँ से फिर ये तरंगागर निकलेंगे, इसके सामने क्या करते हैं डबल स्लिट रख देते हैं, यहाँ से फिर ये जो प्रकाश है वो इस तरह से गोलीय तरंगागर के रूप में जाएगा और यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से अध्यारोपण होगा और फिर परिणामी तीव्रता जो है न्यूनतम अधिकतम प्राप्त होती है। इस प्रयोग को हम अगले टॉपिक में करेंगे, यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं इसको, अगली क्लास में हम इसकी बात करेंगे। अभी तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं कि ये एस है और ये दो ये स्लिट है S1 और S2। अब बात इसी की तो हम कर रहे हैं स्रोत की चौड़ाई, और ये तो है स्रोत S1 और S2, इनकी चौड़ाई पर कैसे निर्भर करते हैं। तो देखो अगर चौड़ाई ज्यादा होगी तो प्रकाश ज्यादा आएगा, इसमें से ज्यादा आएगा तो उसकी तीव्रता भी ज्यादा होगी। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ कि प्रकाश की तीव्रता स्रोत की चौड़ाई के समानुपाती होती है। अगर हमें दिखाई दे रहा है कि छेद जो छोटा है तो थोड़ा प्रकाश उसमें से आएगा, बड़ा छेद है तो उसमें से प्रकाश भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो किस पे निर्भर करती है, स्रोत की चौड़ाई के समानुपाती। पहली बात तो ये कि प्रकाश की तीव्रता स्रोत की चौड़ाई के समानुपाती होती है। अब पूछ ले भाई मैं संबंध लिखो, अब ये तो पता है समानुपाती होती है तो संबंध लिखो, या तीव्रताओं का अनुपात स्लिट की चौड़ाई के पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तीव्रताओं का अनुपात का संबंध चौड़ाई के अनुपात पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो तीव्रता पहली स्लिट की जो तीव्रता होगी वो पहली स्लिट की चौड़ाई पर निर्भर करेगी। तो I1 मान लेते हैं, माना स्लिट S1 व S2 की चौड़ाई, चौड़ाई को विड्थ कहते हैं इसलिए इसको W से ले लेते हैं, W1 व W2 है। तो देखो I1 पहली तरंग की तीव्रता जो है वो S1 से निकलेगी और पहली तरंग इस स्लिट S1 से क्रॉस होगी तो यहां से प्रकाश उत्सर्जित होगा, तो उस प्रकाश की जो तीव्रता है वो समानुपाती होगी पहली स्लिट की चौड़ाई के। क्लियर? इसी तरह से दूसरे तरंग की तीव्रता जो है वो समानुपाती होगी दूसरे स्लिट की चौड़ाई से S2 से, तो यहां से I1 इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू W1 या I2 इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू W2, K यहाँ कॉन्स्टेंट है। तो अब आप बात करें कि तरंग की तीव्रता का अनुपात क्या होगा, अनुपात देना तो क्या करो बात करो I1 बटे, इसके लिए वो नियत आ गया, इसके लिए वो कट जाएगा, आ गया सिंपल। तो अपने पास आ गया I1 अपॉन I2 बराबर KW1 अपॉन KW2, K से K कट गया तो आ गया I1 अपॉन I2 बराबर W1 अपॉन W2। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं, न्यूमेरिकल्स में ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, आप इसको देखेंगे ध्यान से। तो एक बात अगर हमें पता है कि चौड़ाई पर कैसे निर्भर करते हैं तो हमें इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद अपने आप याद रह जाते हैं कि
तीव्रता जो है वो चौड़ाई के समानुपाती होती है। क्यों होती है वो हम इजी वे में देख सकते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा पार्ट होगा उससे गुजरने वाले प्रकाश का मान उतना ही ज्यादा होगा, तो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। तो अब अनुपात, अब क्वेश्चन में पूछा आपसे अनुपात, आपको अनुपात बताना, आपको अलग अलग नहीं बताना कि ये ऐसे हो रही है, आपको क्या बताना है अनुपात बताना है। तो आई वन अपॉन आई टू पूछा गया, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दिया जाए तो ये कह दिया जाए कि तरंगों की तीव्रता व्यतिकरण में तरंगों के आयाम का अनुपात, आयाम का अनुपात इस पर स्लिट की या स्रोत की चौड़ाई पर कैसे निर्भर करता है। क्या पूछ लिया? आयाम का अनुपात। क्या पूछ लिया? आयाम का अनुपात। अगर हमें ये रिलेशन याद है और आयाम का अनुपात याद नहीं है, आयाम के बारे में क्या रिजल्ट आएगा, तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं आई को किस में बदलना है, ए में बदलना है, तरंग को किस में बदलना है, आयाम में बदलना है। और हमने पहले ये बात लिखी है, पता है हमें, ग्यारहवीं में हम यूज करते हैं कि तरंग की तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है, आई जो है वो किसके समानुपाती है, आर के समानुपाती है, आर के वर्ग के समानुपाती है। जब हम परिणामी तरंग की तीव्रता की बात करें, हम यहाँ अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं की बात कर रहे हैं, अतः आई वन का जो मान है वो किसके समानुपाती है, ए के समानुपाती है। ये हम कर चुके हैं व्यतिकरण में, और व्यतिकरण को ही हम दोबारा कर रहे हैं यहाँ, उसी की बातें कंडीशनल ले रहे हैं। आई टू का जो मान है वो समानुपाती होता है बी स्क्वायर से। आई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड आई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। और यहाँ क्या लेंगे, अब कॉन्स्टेंट लेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये रिलेशन है, रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का जो सिंबल है उसको हटाते हैं, उसके साथ कॉन्स्टेंट लेते हैं। यहाँ तो कॉन्स्टेंट आएगा, उसको के मान ले, दोनों के लिए सेम है वो भी, ठीक है, दोनों तरंगे एक ही जगह है तो दोनों के लिए के का मान के ही रहेगा यहाँ। अब देखो हमें पता था कि I का मान A पे निर्भर करता है, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता। हमें इतना पता है कि I1 upon I2 जो होता है वो W1 upon W2 के बराबर होता है। तो फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, हम I की जगह I I1 I2 के मान रख सकते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा, रख दे, क्या रख दे, K A स्क्वायर और K B स्क्वायर रख दे इसकी जगह। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन वन, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या आएगा, के ए स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर बराबर, तो वही है डब्ल्यू वन बटे डब्ल्यू टू। क्या किया हमने, आई वन की जगह आई वन का मान रख दिया, आई टू की जगह आई टू का, के से के कट गया तो आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, ठीक है, ए अपॉन बी। अब देखो हमें पूछा है आयाम के वर्गों का अनुपात नहीं पूछा, दो तरह से क्वेश्चन, अगर आपको ये कहा जाए तो ये तो क्या है, आयाम के वर्गों का अनुपात, हमें आयाम के वर्गों का अनुपात नहीं पूछा, हमें पूछा आयाम का अनुपात, तो वर्ग तो हटाना पड़ेगा, तो a अपॉन b का इसको होल स्क्वायर लिख दो इज इक्वल टू w वन अपॉन w टू। ए अपॉन बी निकालना है तो क्या करें, अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पावर एक बटा दो, तो इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू। ये आ गई वैल्यू किसकी, किसकी, ए अपॉन बी की। कॉम्पिटिशन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने डे 178 और डे 179 किए, कॉम्पिटिशन में इसी आधार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें केवल बाहर ऑप्शन में रिलेशंस दिए जाते हैं, जिस फॉर्म में पूछे गए उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ ये करने के लिए हम पूरा व्यतिकरण सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, हमें ये क्वेश्चन एक या दो नंबर में पूछा जाएगा, तो हमें उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना है उसको, इसका वहाँ उस पूरे प्रोसीजर से कोई लिंक नहीं है। तो अगर आपको तीव्रता का अनुपात पूछा गया देन डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, ठीक है, आयाम के वर्गों का अनुपात पूछा गया देन ऑल्सो डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, अगर आपको आयाम का अनुपात पूछा गया देन अंडर रूट डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, ठीक है। अगर आपको कह दें स्लिट की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो आयामों का अनुपात क्या होगा, तो 10 बटे 8 का अंडर रूट कर दो, क्लियर। आयाम के वर्गों का अनुपात क्या होगा, 10 बटे 8, 5 अनुपात 4, ठीक है। अगर आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर स्लिट की चौड़ाई और तीव्रता का अनुपात क्या होगा, 10 बटे 8, 5 अनुपात 4,
आगे क्वेश्चन समझ में, इसी तरह की क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। ये बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन आप करें तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे एक दो तो एक मैं लिख देता हूं कि यदि यन के प्रयोग में एक मिनट स्लिट की चौड़ाई क्रमश 2 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर हो तो तीव्रताओं का अनुपात नंबर 1, नंबर 2 आयामों का अनुपात और नंबर 3 आयामों की वर्गों का अनुपात बताइए। तो तीनों क्वेश्चन आ गए हैं, बिल्कुल सिंपल, आप खुद कर सकते हैं, इसको कर ले, बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें।